हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 16 सितंबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। आज की जो जर्नी रही है उसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जस्ट ओपनिंग के बाद यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश जरूर किया फर्स्ट फर्स्ट कैंडल में, लेकिन कहीं ना कहीं से इसको रेजिस्टेंस मिला। और जो हमने यहाँ पे कल लेवल यहाँ पे जो डिसाइड किया था 2571, अगर ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे 2563 का तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, और ये कहीं ना कहीं 2560 तक आके यहाँ पे आज के दिन रुका है। एक चीज़ और नोट करेंगे, यहाँ आने के बाद ये ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश किया है, फिर से इन दो पॉइंट पे भी यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया है लेकिन ऊपर जा नहीं पाया है। तो कल के दिन अगर ये फिर से यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ये लास्ट अटेम्प्ट होगा इसका, हो सकता है ठीक है ये यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाए। लेकिन क्योंकि अगर ये इन लेवल्स को एक बार यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो फिर सीधे ये इन लेवल्स के आसपास आ जाएगा, 2530 से लेके 2540, ठीक है 2530 से लेके 2540 के लेवल के आसपास आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करेंगे तो ये लेवल भी यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल है, ठीक है 2530 2540 वाला भी जो लेवल है ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी टेस्टेड है, क्योंकि एक दो बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है, दो बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है। अगर ये फिर से ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इस बार जो 2500 का लेवल है ठीक है, ये वाला लेवल हिट होना ज़्यादा इसकी प्रॉबिलिटी है, क्योंकि ये पीछे एक बार हम लोग सोच रहे थे यार ये लेवल आएगा लेकिन इसके इन्हीं पॉइंट से ये ऊपर की ओर निकल गया था, और ये वाला जो हमारा इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन था इसको टच नहीं किया था। तो हो सकता है इस बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को एक बार टच करने के बाद फिर से हो सकता है ये ऊपर की ओर इसी तरीके से इसी चैनल पैटर्न में बना रहे, या फिर अगर यहीं पे आके टाइम स्पेंड करने लगता है इन लेवल्स के आसपास, अगर उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर अपने ये नीचे लेवल वाले नीचे के लेवल के आसपास आ जाएगा, जो कि होगा 2500 2400 4060 का लेवल, राइट। तो इन लेवल्स के आसपास देखते हैं अभी कल के दिन क्या होता है। कल के दिन ये 2540 के आसपास आके इन लेवल को किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है, अगर तुरंत टच करते ही यहाँ पे टच करते ही तुरंत ऊपर की तरह स्पाइक आ जाता है और स्पाइक के बाद यहाँ पे ऊपर की ओर अपने आप को होल्ड करता है तो फिर ये नीचे जाने के मूड में नहीं है, फिर ये समझेंगे ऊपर जाने के मूड में है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हिट करके ऊपर जाके फिर से इसी लेवल के आसपास आके क्लोजिंग देने लगता है तो ये फिर नीचे जाने के मूड में है, ऐसा हम समझ सकते हैं। चार्ट जूम आउट करेंगे हम लोग और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, आज जैसा कि यहाँ पे वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम ऊपर जाने की कोशिश किया है लेकिन हर बार यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। जो ये बात अलग थी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, फिर ये भी बहुत ज़्यादा था, उसके बाद सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं लास्ट लास्ट में हम लोग को कम होते हुए दिखा है। लेकिन ये बात हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, हमें क्लोजिंग जो है वो नीचे की ओर मिला है, राइट। इस तरीके से हमें क्लोजिंग मिला है और इस तरीके से अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगर ये यहाँ पे ऊपर की ओर इस तरीके से अगर ऊपर की ओर निकलता है और ये इन लेवल्स को 2570 के लेवल्स पे यहाँ पे निकालता है तो हो सकता है एक मोमेंटम मिल जाए, जो कि पहले यहाँ पे लगभग लगभग 2580 82 के आसपास इसको लेके आ जाए, ठीक है इतना पुल कर ले। और इतना पुल करने के बाद फिर अगर ये इन लेवल्स को होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है तो ये फिर इसी रेंज में ये टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है 2550 से लेके 2600 के रेंज में ही फिर ये टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि जब भी इन लेवल के आसपास आएगा तो जैसे यहाँ से देख रहे हैं शार्प सेलिंग आया है, बिल्कुल इस पॉइंट को टच करते ही फिर से शार्प सेलिंग आएगा। उसके बाद बायर्स इस पोजीशन को किस तरीके से प्ले करते हैं, होल्ड करते हैं, फिर ये उसके बाद ये डिपेंड करेगा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन अगर कल ये 2580 के आसपास आके अपने लेवल को डिफेंड करता है तो फिर यहाँ पे ये फिर इस और ऊपर जा सकता है और इस बीच में टाइम स्पेंड कर सकता है, अदरवाइज नीचे की हमने यहाँ पे बात कर ली है। वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वन डे टाइम फ्रेम पे क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बना है अगर उसको देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो वन डे टाइम फ्रेम पे आज यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश बना है फिर से। इसको एक ही चीज़ अभी यहाँ पे सेव कर सकता है, वो है गैप ऑफ ओपनिंग, ठीक है अगर गैप ऑफ ओपनिंग होती है ऐसे केस में तो ही हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं, अदरवाइज ये अगर कल फ्लैट ओपनिंग के बाद अपना लो ब्रेक करेगा तो हम लोगों को फिर से एक नीचे की ओर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे 2560 40 वाला जो लेवल देख रहे थे वो लेवल देखने को हम लोग को मिल सकता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पिछले 3 दिनों में अच्छा खासा गिर चुका है, ये हाई लगाया है 2630 का और उसके बाद लगभग लगभग 2560 के आसपास आ गया है, तो एक दिन और गिरने के बाद हो सकता है इन लेवल के आसपास आके, जो कि हमारा यहाँ पे अल्टीमेट अभी नीचे की ओर लेवल है 2500 से लेके 2520 का लेवल, इन लेवल के आसपास आके फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद देखेंगे ये किस तरीके से इन लेवल को
यहाँ पे प्ले करता है। देखिए इन लेवल्स को टच करते ही ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा ग्रीन कैंडल बन गया। तो इस तरीके का अगर कैंडल बनता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है, यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स हैं जो इसको इसको ऊपर की ओर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद, इन लेवल्स के आसपास आने के बाद बहुत ज़्यादा चौपीनेस हो जाता है, ठीक है, छोटा बहुत छोटा मोमेंटम होता है, इस तरीके से रुकने लगता है, तो ज़्यादा चांसेस होता है ये इन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे की ओर निकल जाए। लेकिन अगर यही जो ये यहाँ पे रुक रहा है, बेस बना रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये इस सपोर्ट के पास, एक जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक सपोर्ट है, इसके पास ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, इनके पास बेस बना रहा है तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे ये सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आ रहा हो तो यहाँ पे ब्रेक करने की प्रॉबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने टारगेट्स एंड लेवल्स देख लेते हैं फिलहाल। तो अभी नीचे की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लास्ट स्विंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज का। यहाँ पे लो लगा है 2556 का, ठीक है, 2556 का लो लगा है यहाँ पे। तो 2555 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की ओर हम लोग जो पहला टारगेट यहाँ पे देखेंगे, 2555 का ब्रेकडाउन होगा तो 2550 का हम लोग यहाँ पे पहला टारगेट देख सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे जो दूसरा टारगेट देख सकते हैं वो देख सकते हैं 2540 का, ठीक है, दूसरा टारगेट 2540 का देख सकते हैं। ऊपर की ओर बात करेंगे हम लोग तो ऊपर की ओर अगर यहाँ पे देखिए आप, जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर ये इन लेवल्स पे यहाँ पे ब्रेक करके निकलता है जो कि है 2570 का लेवल, तो यहाँ पे हम लोग को जो ऊपर की ओर पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है, वो हम लोग को एक ही टारगेट हम लोग ऊपर रखेंगे, वो लगभग लगभग 2577 तक का देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इन लेवल्स को कैसा बायर्स यहाँ पे प्ले करते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, उसके बाद ये इन लेवल्स को 2575 से लेके 80 के लेवल को किस तरीके से प्ले करता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आके अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, उसके बाद दो चार कैंडल के बाद ब्रेकआउट दे देते हैं, तो फिर ये इन लेवल्स के बीच आ जाएगा और ये फिर साइडवेज चला जाएगा, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे लेवल्स रहेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक तो किया ही नहीं होगा मुझे पता है, तो वीडियो पसंद जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।